इंद्र के नाति भय अरे पिता जो गंधर्व से भाई विक्रम दीत है तो जरे घर में ना बतबे जिस दिन जल में राजा भर्तृहरि बाजा बाजा सुर राय राजा भर्तृहरि रो जन्म हुए काई केवे जिस दिन जल में राजा भर्तृहरि बाजा बाजा सुर राय अरे हरी हरी गोबर मंगाई के आंगन लीप कराए अमरो जी राजा आपने घरे कोई बच्चो जन्म लेवे तो भी को चौको करया करा और नयो गाय को गोबर लिया आपा आंगन ने निप्या करा भी प्रकार में राजा भर्तृहरि को जन्म हुए के हरी हरी गोबर मंगाए के आंगन लीप कराए अमर जी राजा भर्तृहरि। अब देखो काई राजा भर्तृहरि की बुआ राजा भर्तृहरि के जन्म होने के खुशी के मायने मोतियां को थाल सजा करके राजा को नाम कटाने वास्ते जोशी जी गिन जाओ और के बात बन जावे देखो जोशी बुलावन भुआ नीसरी भर मोतियन को थाल अरे बांचो जोशी जी थारा बेद ने बालक नाम कड़ाए हे जोशी मारे लड़के को नाम निकलवाणु है तो जोशी जी महाराज आपके पतले ने खोले देखो तीन तिले काड़ोड़ा धोली धोती पेरेड़ी चोटी सुकेड़ो मोड़ो सोलिया आया ही पंडित जी कहीं कहे
ब्राह्मण बाचे बेनर तो मुनि जन देख संजोग, नाम निकालो राजा भरतरी तो माता कर्म में लिखिया जोग। हे मैया इको नाम तो राजा भरतरी अपन कर्मा के माने जोग लिखेड़ो है। इतनी बात सुनता है राजा भरतरी की माता जोशी जी ने काई कहने लागी है, अरे बालक दोष लगाई, ए बालू जोशी जी थारा बेदन रे थारा बेदन जी, अरे बालक दोष लगाई, कंचन देऊ थाने दिख सुना रे जोशी दीक्षणा जी, अरे नाम ये लोट करा ए अमर हो जी रे राजा भरतरी रे राजा भरतरी जी, अरे हे बोलो भक्त और भगवान की काई केवे। के बालू जोशी जी थारा बेद ने बालक दोष लगाए, अरे कंचन देऊ थाने दीक्षणा नाव लोट कराए जोशी, इको नाव राजा भरतरी मतराक, अगर नाव राजा भरतरी रियो तो जोग लेसी। जोशी जी कहे मैया 17वीं साल में राजा भरतरी को ब्याह वाला और 18वीं साल में राजा भरतरी जोग ले ले वेला, तो माँ के हे जोशी अगर राजा भरतरी नाव राखण जोग लेसी तो राजा भरतरी नाव मत रखो, नाव पलट दो अने घणो सारो सोनू चांदी देसू। जोशी जी काई कहे जोग लिखिया है माँ, अरे छोटी उमरी रे माँ, अमर हो जी रे राजा भरतरी रे राजा भरतरी जी, अरे हे भक्त और भगवान की काई केवे। जोशी जी कागज हुए तो मैया बांच लियो कर्म ने बांचो जाए, अरे बे माता जोग लिख दिया छोटी उम्र के माँ, हे मैया
जिका बे माता लिख दिया बैठल कौन सी के चाहे लाख उपाय करो। अब कोई कागज हुए तो मैं तेने पढ़ सुना दे मगर कर्म मेरू बाचो को नहीं जावे। काई केवे भरतरी एक वर्ष रा होवे जरी माता लाड लडावे। भरतरी एक वर्ष रा होवे जरी माता लाड लडावे। भरतरी पांच वर्ष रा होवे पांच वर्ष रा होवे जद गुरु कने पढ़ बाजावे। भरतरी पांच वर्ष रा होवे जद गुरु कने पढ़ बाजावे। भरतरी सत्रह वर्ष रा होवे सत्रह वर्ष रा होवे घर नारी पिंगला लावे। राजा सत्रह वर्ष रा होवे घर नारी पिंगला लावे। भरतरी सत्रह वर्ष रा होवे सत्रह वर्ष रा होवे ओ राजा सत्रह वर्ष रा होवे घर नारी पिंगला लावे। बोलो भक्त और भगवान की काई केवे के भरती एक वर्ष आवे जारी माता लाड लडावे। अरे भर्तरी पांच वर्ष का आवे जब गुरु कने पढ़बा जावे। भर्तरी सत्रह वर्ष का आवे घर नार पिंगला लावे। राजा भर्तरी ब्याव करे बीहू पहली जोशी जी राजा भर्तरी की माता ने बतायो काई बतायो कि मैया एक उपाय राजा भर्तरी जोग नहीं लेवे। एक तो सुबर घोड़ी पर नहीं चढ़े सुबर घोड़ी पर चढ़ जाओ तो उत्तर दिशा में नहीं जावे और उत्तर दिशा में चला जाओ तो काले मिर्गेरी शिकार नहीं करे। अब देखो समय भी इतना कोई टाइम कौन लागे। राजा भर्तरी धीरे धीरे बड़ा हुए काहे कहवे बढ़ जा आपो समायो राजा भरतरी तो भर जो बनते मां। राजा भरतरी रो ब्याह हुए ओ ब्याह किया राजा भरतरी रे राजा भरतरी जी लायो पिंगला ना
माई ने जी जुगड़ा माई ने जी भरतरी जी। अरे लायो पिंगला रे नारी जोड़ी जी ओरे जुगड़ा माई ने जी जुगड़ा माई ने जी। कोई ने पायो अमर हो जी रे राजा भरतरी रे राजा भरतरी जी। अरे हे बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की काय कहवे के ब्याव कियो राजा भरतरी लयो छत्री पिंगला नार। अरे जोड़ी जियो जुगड़ा मायने जारो कोई ने पायो। एक दिन वो आवे राजा भरतरी ब्याव करे के ब्याव कियो राजा भरतरी लायो छत्री पिंगला नार। अरे जोड़ी जियो जुगड़ा मायने जारो कोई ने पायो पार। दोनों की ऐसी जोड़ी जिकी को कोई पार नहीं है। अब एक दिन कायो जावे जिका जोशी जी महाराज वचन किया वो टाइम धीरे धीरे करना आने लाग जावे और बे माता जिका लिख दिया करे बैठलिया करे कोनी है। जोशी जी कहे बे माता ने मैया जोग लिखा है छोटी उम्र के माए तो बे जोग बे माता का लिखेड़ा टल्या करे कोनी है। वो टाइम आवे एक दिन राजा भर्तरी शिकार खेलने जाने को मूड बनावे। देखो के रानी आज मैं उत्तर दिशा ने शिकार करने वास्ते जाऊं तो रानी पिंगला राजा भर्तरी ने काई कहे चंद्र भगवान की। राजा भर्तरी शिकार चढ़ने की तैयारी करे तो रानी पिंगला राजा भर्तरी ने काई कहे के शुभ्र घोड़ी पर पिया मती चढ़ो उत्तर दिशा मत जाए। अरे उत्तर दिशा में राजा डर घणो रहो मारो जीव घबराए। राजा पूर्व दिशा में चला जाओ पश्चिम में चला जाओ दक्षिण में चला जाओ पर उत्तर दिशा में मती जाओ। राजा भर्तरी नहीं माने तो रानी पिंगला काई करे Thank you.
जगतवंती रानी पिंगला लियो भरत ने गले लगा थी सतवंती रानी पिंगला लियो भरत ने गले लगा सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में आज खेलन मत जाओ शिकार ओ सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में आज खेलन मत जाओ शिकार ती सतवंती रानी रे पिंगला लियो भरत ने गले लगा ती सतवंती रानी रे पिंगला लियो भरत ने गले लगा ही सतवंती हो रानी पिंगला लियो भरत ने गले लगा ओ सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में आज खेलन मत जाओ शिकार कृष्ण चंद्र भगवान की काय के वे के थी सतवंती रानी पिंगला लियो भरत ने गले लगाए अरे सुन पति प्यारे उत्तर दिशा में आज खेलन मत जाओ शिकार ए पिया आज ते उत्तर दिशा ने मती जाओ। राजा भर्तरी मनवा विचार करे रानी अपन जाता ने क्यों रोक रही है के बात है क्यों रानी इसी के बात है क्यों नहीं राजा आज ते उत्तर दिशा में शिकार मती जाओ। राजा भर्तरी नहीं माने और काई कहे रानी पिंगला ने चंद्र भगवान की आई के वे राजा के सुंदर अलवेली माने मत बरजो रानी पिंगला हे रानी आज मैं शिकार जासे तो जासे ही। अब देखो बाबो सगला ने कहे अपने बाबे ने ज्यादा खून के वे राजाओ भी कागे रानी कोई के जोर चालो तो राजा भर्तरी नहीं माने और शिकार चढ़ने की तैयारी करे बा तैयारी की प्रकारों करे देखो पहली राजा शिकार चढ़िया करता जने ढोल नगाड़ा झालरा यहाँ हल्का बाजा करता गा रहे सारे का गांव यहाँ धूम धड़ाकों
तो कहीं कहे चंद्र भगवान की भाई कहे के घुरियो नगरो राजा इंद्र को चढ़िया भरत पवार राजा भर्तरी शिकार चढ़े घुरियो नगरो राजा इंद्र को चढ़िया भरत पवार अरे उत्तर दिशा में राजा चालिया गया मृग शिकार। अब राजा चालिया है मृग की शिकार करने वास्ते मन में विचार कर आज तो कोई मृग ही मार ले राशा तो कहीं राजा भर्तरी जंगल में जावे और के बात है बने देखो चंद्र भगवान की बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की काई के वे के घुरियो नगरो राजा इंद्र को चढ़िया भरत पवार अरे उत्तर दिशा में राजा चालिया गया मृग शिकार। जाय मृगा के घेरो घालियो जद बोली हिरण्या की डार अरे किस भी दायो राजा भर्तरी माने साची बता दे बात है राजा आज आपको जंगल मानु किया हुए के बात है। राजा भर्तरी के मिर्गिया मैं आज जंगल में शिकार करने वास्ते आयु भाई काले मिर्गे री शिकार मिर्गिया राजा भर्तरी ने केवे रे राजा खेत की रुखाड़ी बाढ़ करया करे और अगर बाढ़ ही खेत ने खान लाग जाओ तो क्या पार पड़े। हे राजा मां 100 मिर्गिया के बीच एक मिर्गो भी नहीं तू मारसी
राजा भर्तृके मिर्गिया कुछ भी कहो, आज मैं शिकार करसू तो काले मिर्गे री करसू। तो मिर्गिया राजा भर्तृके ने पाछो काई केवे, भगवान की काई केवे के घास खावे में राजा सिंह को और कोनी उजाड़े थारो बाग। अरे सो सो मिर्गिया में मिर्गो एकलो राजा में सभी हो जावा ला रे राजा, अबार सगल्या ने काली कांचली पिरा देसी। हे राजा, ई मिर्गे के बदला 10 मिर्गी मार ले, 15 मार ले, 25 मार ले, पर मिर्गे ने जिंदो छोड़ दे। राजा भर्तृके नहीं माने। मिर्गिया ने कह, मिर्गिया आज ते कुछ भी कहो, मैं काले मिर्गे री शिकार करसू। मिर्गिया क्यों रे राजा, थोड़ी बहुत देख, तेरे जी में आ जती मिर्गिया ने मार ले, मगर मिर्गिया ने जिंदो छोड़ दे। राजा भर्तृके नहीं माने तो मिर्गिया भगवान ने अरदास करे की प्रकार करे। देखो मारा पिया जीरो प्राण बचा, हिरणी अर्जी करे ए सांवरिया मारा, ओ गिरधारी मारा पति सारो प्राण बचा, अर्ज करे समुद्र में डूबी नाव। हिरणी हरि ने अर्ज करे समुद्र में डूबी नाव, ए शाम मेरा समुद्र में डूबी नाव, ये जी मारा पिया जीरो प्राण बचाई, आ हिरणी हरि ने अर्ज करे ए सांवरिया सारो प्राणी बचाई, आ हिरणी हरि ने अर्ज करे।
श्री हरि ने अर्ज करे रे तीन पगारे पान। हिरणी हरि ने अर्ज करे रे तीन पगारे पान। ए शाम मेरा तीन पगारे पान। ए जिम्हारा पिया जी हीरो प्राणी बचाई, कोई प्राणी बचाई। आ हिरणी हरि ने अर्ज करे सारो प्राणी बच्चा। हिरणी अर्ज करे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की हो। काई कहे के सांवरिया महारा पिया जीरो प्राण बचा। हिरणी हरि ने अर्ज करे। हिरण्या भगवान ने रो रो याद करे के भगवान आज मारी कोई सुननी को नहीं है, मारी रखवाली करनी है, मां की जान लेने पर उतर गयो। सौ मिर्गियां के बीच एक मिर्गो भी नहीं, जिंदो कौन छोड़ रहे हो। हे भगवान आज अगर मां की लाज रखे तो तू ही राख सके। अब अठीने मिर्गियां भगवान ने अरदास करे और अठीने राजा भर्तरी मिर्गे के ऊपर बाण चलाना शुरू कर देवे। क्यों बाकी तो खोपड़ी में एक ही घुसड़ी, शिकार करनी तो काले मिर्गे की करनी। कहीं राजा भर्तरी बाण चलाओ और कहीं बात है बने। कृष्ण चंद्र भगवान की काई कहे के पेलड़ो बाण जद राजा मारियो मिर्गो मारी फदाक। अरे दूजो बाण जद राजा बावियो मिर्गो दियो सिंगा से टाल। तीन चार मिर्गियां मरे दूजो बाण बाव जतने बाण के विचार। और तीजो बाण जद राजा बावियो मिर्गे के निकले आरम पार। भी टेम के मायने मिर्गिया राजा भर्तरी ने काई कहे क्यों राजा जी प्रकार हूं। आज मैं मारे पति के वियोग में रोवा
थारी रानी पिंगला भी प्रकार थारे वास्ते रोवेली। मिर्गा श्राप दे देवे राजा भर्तरी ने, तू जोगी बन जा लो राजा भर्तरी। इतनी बात कहता ही अडिनो मिर्गो बोले कि राजा मार तो दियो कोई बात को नहीं, थारी जिद पूरी कर ली, पर मारे शरीर का कई अंग है, कई चीजें हैं, बे तू अली मत गमाई जे बहुत ही काम की चीजें हैं, तो मेरे को काय काय चीजा बताओ और के बात है बने। चंद्र भगवान की कहीं कहे के खाल दीजे गोरखनाथ ने राजा बोले वे धुना पे बिछा। हे राजा मेरे तन की खाल बाबा गोरखनाथ ने दीजे ताकि भी के बिछाने के काम आवे। खाल दीजे गोरखनाथ ने बोले वे धुना पे बिछाए और सींग दीजे कोई फकीर ने वो घर घर अलग जगह। हो राजा मारा सींग है बे कोई फकीर ने दीजे बे आपने सींगड़ी वाला आया करे सींगड़ी कटवा लियो सींगड़ी कटवा लियो बाने दीजे की काम आवे। नैन दीजे चंचन नार ने बा लेवे सुरमू सार। ओ राजा मेरा नैन कोई सुंदर नार ने दीजे ताकि बिके सुरमू सार ने काम आवे। और पैर दीजे कायर चोर ने। हे राजा मेरा ये टांगड़ा है नी ए कोई चोर ने देना है वो जावे रण से भाग। हे राजा इतनी चीजा मतन बताया नाली मत गमाई जे बहुत ही काम की चीजा है। अब इतनी बात कहता ही मिर्गे का प्राण पंखेर उड़ जावे। राजा भर्तरी मिर्गे ने घोड़े पर लादर रवाना हुए। श्यामा गोरखनाथ जी महाराज मिल जावे तो के बात बन जावे। Yeah.
घोड़ा पर लादी। अरे सामा मिल गया रे गोरखी नाथ जी रे गोरखी नाथ जी रे। जाय लागे है बाग पा जी महाराज कवे। अरे पर ने हुक जा रे बाड़ा जोगी अरे बाड़ा जोगी आजी हाँ। हर मुंह देखू लगे पापी अमर हो जी रे राजा भरत ही रे राजा भरतरी जी। अरे हे बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। काई केवे के चार पगासू बांधियो लियो घोड़े पर राल। अरे सामा मिल गया गोरखनाथ जी जाके लुलुल लागे पांव। गोरखनाथ जी महाराज केवे पर ने अटजारे बाला जो गया थारो मुंह देख्यो लागे पाप। ए राजा मेरा हाथ लगाने को धर्म को नहीं है। एक तो मिर्गो मारे ले दूसरी और मेरे पगा लगे तन शर्म को नहीं आगे। तो राजा भर्तरी ने बहुत गुस्सा आ जावे क्यों राजा हो इतनी बर्दाश्त कटी। बोले रे फकड़ा ज्यादा टूटा पूपा करने की जरूरत को नहीं है। या तो मिर्गे ने जिंदो कर दे नहीं तो ई बाणु तेरी गिरे देख ले मोटिया। गोरखनाथ जी महाराज मैंने विचार करे रे टाबर है राजा है अनजान है। गोरखनाथ जी महाराज एक चिमटी भर मिर्गे में गिरे मिर्गो जार मिर्गियां भेड़ो जावे। अब राजा भर्तरी मनु विचार करे जो कुछ है फकीरी में ही है और कुछ को नहीं है। तो राजा भर्तरी के बीटे में जज्जा का आपा तो जोग ले सा और बाबा गोरखनाथ जी का चेला बन सा। बाबा गोरखनाथ जी ने कहे महाराज मैं थांको चेलो बन सू। गोरखनाथ जी महाराज कहे नहीं जाओ बेटा अपना राजपाट संभालो। अरे फकीरांगन काई है। राजा क्यों नहीं महाराज मैं थांको चेलो बनसू। राजा हटी कर ले तो गोरखनाथ जी महाराज कहे पहली थारी रानी पिंगला गंजार माता केर भिक्षा ले रहा बीके बाद में तू मारो चेलो बनसी। राजा भर्तरी क्यों महाराज बार ले रहा हूं। और बेटा रानी पिंगला जा रही कहे के माता पिंगला भिक्षा दे। ओ तुम जाओ महल के माई लगाओ फेरी लगाओ फेरी। अरे भिक्षा घालो नी पिंगला मात करो मती देरी। ए जी भिक्षा घालो नी पिंगला मात करो मती देरी। राजा जावो महल के माई लगाओ फेरी हो लगाओ फेरी। अरे भिक्षा घालो नी पिंगला मात करो मती देरी। ए भिक्षा घालो नी पिंगला ए मात करो मती देरी। लगाओ फेरी हो लगाओ फेरी। अरे भिक्षा
कच्चा घालो नी पिंगला मातिये करो मत देरी ओ भिक्षा घालो नी पिंगला ए मात करो मत देरी रानी उबी महल के माई लटरिया तोड़े हो जी लटरिया तोड़े ये राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत काई तोड़े ये राजा एक दिन पकड़ो हाथ रे प्रीत काई तोड़े लटरिया तोड़े वो लटरिया तोड़े ये राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत काई तोड़े ये जी राजा एक दिन पकड़ो हाथ रे प्रीत काई तोड़े बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की काई कहे के तुम जाओ महल के माए लगाओ फेरी अरे भिक्षा दे दो नी पिंगला मात करो मत तेरी ही प्रकारों वचन बोलो बेटा बाबा गोरखनाथ जी कहे आ बात तो रानी के खड़ी महल के बीच लटरिया तोड़े अरे राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत काई छोड़े राजा भर्तरी घरे जा रे गिरट लगा दे माता पिंगला भिक्षा दे माता पिंगला भिक्षा दे जोगी को रूप धारण कर ले राजा भर्तरी और रानी देखते है मन विचार करे जोशी जी कीज की बात सही आज अगर राजा उत्तर दिशा नहीं जाओ तो आज जोग क्यों लेवे रानी पिंगला राजा भर्तरी ने जो जोगी होड़ा ने देख और उपरू तिवाड़ो खार पड़े देखो और काई कहे
ठाकुर भगवान की। काय के रानी पिंगला के कमारी होती तो पिंपल पूजती राजा लाग्यो हतले वारो पाप। अरे एक टाबरियो मारे हूं तो वो करतो उजनी रो राज। हे राजा थारे बाद में राज ने चलानियो कोई कोनी और आज नष्ट हो जासी। थे बन में मत जाओ जोग मत लेओ। कह एक टाबरियो मारे हूं तो राजा वो करतो उजनी रो राज। कम से कम मेरे एक टाबर हो तो आज उजनी को कोई राजा हो तो। राजा भर्तरी नहीं माने रानी पिंगला भिक्षा दे देवे। राजा भर्तरी जंगल में जावे घोर तपस्या करे पर राजा भर्तरी की एक कमी माने नींद बहुत ज्यादा आती। क्यों राज करेड़ो ने फकीरी बहुत दोरी हुए। काई के वे घर जाई जे बेरन नींद जिन घरे राम नाम नहीं भावे। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घरे राम नाम नहीं भावे। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घरे राम नाम नहीं भावे। जाई जे तू राज दवारा आलसिया रस भोगी। का जाई जे तू राज दवारा आलसिया रस भोगी। मारो लारो छोड़ पापड़ी अरे मैं हार मत्ता जोगी। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। सुन ले निंद्रा यहाँ नहीं तेरा वासा। कहे भरतरी सुन ले पिंगड़ा यहाँ नहीं तेरा वासा। मारो लारो अरे छोड़ दे पापड़ी अरे मैं हर मत्ता जोगी। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। अरे उन घरे जाई जे बेरन नींद जिन घरे राम नाम नहीं भावे। राम नाम नहीं भावे उन घरे हरि भजन नहीं भावे। वो उन घरे जाई जे बेरन नींद जिन घरे राम नाम नहीं भावे। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घर राम नाम नहीं भावे। उन घर जाई जे बेरन नींद जिन घर राम नाम